नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हो, जगजीत कंपनी की ये मशीन है, रिपर मशीन है, जो तूड़ी बनाने के काम में आती है। मुख्य रूप से क्या है कि हम आज किसान के पास आए हैं और मेरे गाँव में चल रही है, मेरे पड़ोस में चल रही है, तो इसका क्या रिजल्ट है, इन्होंने इसी बार ली है और कितने रुपये की, अपन उसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे मेन बात यह कि इन्होंने ये जगजीत की ही क्यों ली, क्योंकि गांव में और भी बहुत सी ऐसी मशीनें चल रही हैं अलग अलग कंपनियों की, तो इस कंपनी का लेने का क्या कारण रहा, तुम संपर्क करेंगे। सर, आप अपना नाम और गांव बता दीजिए पहले तो, और उसके बाद अपने मशीन की बात करेंगे। मैं कृष्ण पूनिया, रामपुरा रंगमहल पीलीमंगा तहसील, और ये जो मशीन है जगजीत की, मैंने अब की बार ही ली है। तो इसमें मेरे को सबसे जो बढ़िया चीज़ लगी इसमें, एक तो इसका जो कटर दिया है वो 7.5 फीट का है। आपने इसका जैसे बताया कटर 7.5 फीट का है, तो बाकी की जो मशीन है उनका कटर का क्या साइज है, उनका छोटा था या बड़ा था? नहीं, हर कंपनी का अलग अलग साइज रहता है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किसी प्रकार की लेता है, कोई मतलब बाकी की जो भी अपने को इस चीज में बेटर लगा मेरे को, तो मैंने जगजीत को चूज किया। बाकी की जो कंपनी है उनका जो आगे कटर है वो थोड़ा छोटा है, 7 फीट में ही आता है, 7.5 में, अलग अलग कंपनी का है, किसी का कोई साइज रहता है, किसी का। तो इसका जो अपना कटर है मतलब 7.5 फीट का है, जो कि काम जल्दी कर देती है। हाँ, उसका फर्क रहता है। तो आपके पास जैसे अभी ये ट्रैक्टर है शिवराज 855 HP का ट्रैक्टर है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक ट्रोली तूड़ी बनाने में क्या डीजल ले लेता है लगभग? अब चल रहा है जिस हिसाब से, अब लगभग 3.5 लीटर के लगभग एवरेज ले रहा है। और आज से मतलब आप 5-7-10 दिन बाद जैसे अपना लांगा और सूख जाएगा, उस टाइम क्या डीजल रहेगा? उस टाइम भी लगभग ये 2.5 से 3 के बीच में आ जाए, 2.5 से 3 के बीच में आ जाए। हाँ जी। आज ट्रॉली है वो अपनी जो ये 11 फुटी ट्रॉली है, सिंपल साधारण, ये बनाने में कितना समय ले रही है? अब जैसे आज चल रहा है तो आज ये 25 मिनट के लगभग ले रही है ट्रॉली। और आज से 5-7 दिन बाद जैसे अपनी लांगा सूख जाएगा, उस टाइम क्या लेगा ये? ये लगभग 20-22 मिनट, 20-22 मिनट में 2-3 मिनट का टाइमिंग अपनी बच जाएगी। हाँ, जैसे जैसे सूखेगा। तो आपने इसको अभी कितने ट्रॉलियाँ अभी तो इस सीजन में आपने बना दी हैं? इसमें अब तक लगभग 150 ट्रॉली समथिंग। 150 ट्रॉली आपने बना दी है। 150 ट्रॉली में कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आई मशीन में? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आई। तो आपको चलाने में कैसी लगी दूसरी रिपरों के मुताबिक? ये ठीक है, स्मूथ चलती है, बढ़िया चलती है। तो ये अपने बात करते हैं कि जमीन से कितनी इंच ऊपर से ये उठाने की क्षमता रखती है मशीन? 3 इंच लास्ट, मतलब 3 इंच से नीचे नहीं उठाएगी लगभग? 3 इंच बाद में तो इसका कटर नीचे, कटर नीचे लग जाता है। हाँ जी। तो इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा कोई फंक्शन हो जो अन्य रिपरों के मुताबिक इसमें ज़्यादा हो, या कुछ उसमें हटके हों कि आपने इसको खरीदा तो उसका क्या कारण रहा इसमें? सर, इसमें मेरे को एक तो इन जैसे जगजीत का है, इसमें इसका जाल डबल आता है, जैसे अपने शुरू में चालू करते हैं तो उस टाइम लांगा थोड़ा गीला रहता है, ठीक तो है। उस टाइम जैसे अपने बड़ा जाल है जैसे 38 या 40 वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे जैसे लांगा सूखता जाता है उसके बाद में अपने उसमें कम साइज के जैसे 36 का वो चालू कर तो देते हैं। ये 40 और 36 का अपने जो जाल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या अपने को बेनिफिट होगा, नुकसान क्या होगा अगर नहीं यूज़ करते हैं तो? अपने भी शुरू में जब लांगा गिल्ला रहता है तो जैसे 36 का यूज़ करेंगे तो तूड़ी थोड़ी बड़ी बनाएगी, वो दिक्कत रहती है उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा होगा 40 वाला या 38 वाला तो उसमें शुरू में तूड़ी छोटी बनेगी, जैसे जैसे लांगा सूखता जाता है उसके हिसाब से फिर बाद में। बाकी के जो अपने बात करते हैं कि दूसरी जो कंपनियों के जो ये मशीनें हैं उनमें मतलब एक ही जाल होता है, तो इसमें आपको आपने बताया कि इसमें अपने को 2 जाल मिले हैं, तो दोनों कंपनी ने साथ उपलब्ध करवाए हैं, उनके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी अपने को देना? नहीं सर, वो कंपनी ने साथ ही दिए। आज अपने बात करते हैं इस सीजन में आप लेके आए हो, तो आप कंपनी से आपने डायरेक्ट डील की है या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लिया है? नहीं सर, अपने पीलीमंगा में डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से लिए। क्या प्राइस था इस बार इसका? सर, इसका प्राइस लगभग यही समथिंग 3,15,000 के समथिंग था। 3,15,000 के आसपास आपको ये मिली है। हाँ जी। तो इसमें जो आपने बताया कि एक तो जाल था वो इसमें एक्स्ट्रा है, और मैं जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जगजीत की, कुछ किसानों से मिला तो उन्होंने भी बताया कि उसमें कुछ एक ब्लेडों का सिस्टम भी कुछ है इसमें कुछ अलग है। हाँ, इसमें जो ड्रम के अंदर ब्लेड दिए गए हैं, अभी एक बार में 2 ब्लेडें चेंज हो सकती है। अच्छा, इसमें ये सिस्टम दे दिया है कि अपन ये नट अगर खोलते हैं तो ये दोनों ब्लेड एक साथ चेंज हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी की जो कंपनियाँ हैं उनमें एक ब्लेड के लिए 2 नट खोलने पड़ेंगे और ब्लेड एक ही चेंज होंगी, यहाँ यानी कि एक प्रति एक नट पे एक ब्लेड अपने चेंज कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं हैं कि भाई इसमें अपने ब्लेडें बदलने में अपना आधा समय बच जाएगा, यानी कि दूसरी मशीनों में अगर अपने 4 घंटे लगते हैं तो यहाँ अपने 2 घंटे में ही ब्लेडें चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बचत रहती है।
अच्छा अपने ये हो गए इसकी ब्लेडों का ये चेंजिंग हो गया कि औरों से इसमें ये बेस्ट सुविधाएं दी है और आधा फिट इसकी जो आगे का जो कटर है वो भी एक्स्ट्रा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शन हो जिससे किसानों को अच्छा लगे? नहीं, और इसमें एक जो इसका पैंट है पाउडर पैंट रहता है, जल्दी खराब नहीं है। अच्छा, जो उसका पैंट है वो पाउडर पैंट है तो वो जल्दी खराब नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक ये जो नीचे यहाँ हैंडल दे रखा है ये किस चीज़ का है? ये सर वो ट्रे लगी है, जैसे कोई रोड़ा और आ जाता है तो इसको गिरने के अपने आप गिरा देती है, अंदर नहीं जाने देता। तो आपने इसकी रस्सी भी लगा रखी है, जैसे डोली ग्राउंड में अपने रस्सी लगाते हैं, इसका फिर क्या कारण है रस्सी लगाने का? ये जैसे ही कोई चीज़ आती है ये गिरा देता है, फिर ड्राइवर वहीं पर बैठा उसको खींच के दोबारा चालू हो जाती है, नीचे नहीं उतरना पड़ता। अच्छा, मतलब ये अपने चलते हुए ट्रैक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको सफाई कर सकते हैं? हाँ, वो जो सामान है उसको नीचे गिरा देता है, इसको वापस खींच देते हैं ये वापस। मतलब इसमें अगर ईंट वींट भी आ गई तो वो मशीन में नहीं जाएगी इसकी? हाँ, वो सेफ्टी है मतलब ये। हाँ जी, हाँ जी। जो कि बहुत ही शानदार, मैं ये बताना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसका हैंडल दे रखा है, जैसे इस पर कोई वजनदार चीज़ आएगी तो ये इसका हैंडल है इस तरह से हो जाएगा और नीचे गिरा देगा। और इस पर जो रस्सी दे रखी है वो रस्सी वहाँ ट्रैक्टर के पास, जैसे अपने डोली ग्राउंड यूज़ करते हैं उस तरह से इसमें लगा रखी है, तो वो खींचने से इसका ऑटोमेटिक लॉक है वो फिर से लग जाएगा। बहुत ही शानदार रिपेयर है। अगर कोई साथी इस तरह की रिपेयर लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी के जो नंबर है वो उपलब्ध करवा दूंगा, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक हॉर्न सा लगा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? आपने स्पेशल इसमें जुगाड़ लगवाया है क्या ये? वो तो लगे लगाए है, वो बिंग अंदर कोई ईंट आ जाए और आ जाए बट ट्रे ऑटोमेटिक खाली हो जाए रेट जे नीचे। अच्छा, मतलब अगर इसमें कोई ईंट पत्थर आ जाता है तो वो नीचे का जो सिस्टम है वो खुलने का है, तो वो खुल जाएगा अंदर खुलेगा तो ये सारे बजेगा, मतलब तो ड्राइवर को पता चल जाएगा, पता लग जाएगा कुछ ना कुछ मशीन में अपने प्रॉब्लम हो गई है, तो वो रस्सी आप खींच कर उसको बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देख जैसे कि देख पा रहे हो किसान को ट्रैक्टर से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार पिक्चर्स दिए हैं और जगजीत ग्रुप की ये स्टोरी पर है जो कि मेड इन पंजाब है इंडिया, और डिस्ट्रीब्यूटर इसके लगभग सभी जगहें उपलब्ध हैं, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे किसानों से शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं दाने निकालने के लिए यहाँ हैंडल दिया गया है, जो पुराने सिस्टम थे उनमें ये हैंडल नहीं होता था। खोलो, कैसे क्या खोलोगा? तो ये हैंडल नीचे कर दिया है और इस हैंडल को अपने जैसे ही लाएंगे तो ये दाने नीचे खाली हो जाएंगे और वापस इसको लगाना है वो बिल्कुल ही आसान है। तो ये जो पहले जो पुराने ओल्ड मॉडल थे उनमें ये सुविधाएं नहीं है, तो नए मॉडल में ये भी एक इसमें अलग चीज़ दी है जिसके माध्यम से अपने इसको आराम से दाने निकाल सकते हैं। तो एक शानदार है रिपर, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसका जो तूड़ी जो बनी है वो भी, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, को दिखा देता हूं। इसमें जो तूड़ी बनी है वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहां की जो इसकी जो तूड़ी है वो 36 नंबर जाल की, ये 36 नंबर जाल की तूड़ी है जो कि एक शानदार तूड़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज़बरदस्त है, मैं इसे कहूँ कि जो अपने पुराने टाइम में जो टोके आती थी बिल्कुल टोके जैसी तूड़ी है। आजकल क्या है कि टोके की तूड़ी ज़्यादा चलती है क्योंकि उनको पशु अच्छी तरह से खा लेते हैं, और टोका के बाद ये जो तूड़ियाँ हैं वो भी अच्छी चलती हैं क्योंकि इनमें जो मिट्टी धूल होती है वो कहीं ना कहीं अपनी उड़ जाती है और अंदर बिल्कुल फ्रेश तूड़ी बचती है।